गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंधन एवं उद्यमिता। सब्जेक्ट कोड EL 310। यूनिट हमारी थी सेटिंग अप SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना। इसके अंतर्गत ये स्लाइड में दिखाए गए विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन ऑफ SSI, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेटअप में क्या प्रोसेस फॉलो होती है, क्या स्टेप फॉलो होती है, और किन आधारों पर डिसाइड किया जाता है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगी। लैंड का अलॉटमेंट किस प्रकार, किन तरीकों से हो सकता है, और रिको के द्वारा लैंड अलॉटमेंट के लिए एक उद्यमी को क्या क्या दस्तावेज किस फॉर्मेट में देने होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, उसमें कौन कौन सी जरूरी सूचनाओं का होना आवश्यक है, जिसमें कुछ सामान्य वित्तीय सूचनाएं थी। कौन इस उद्यम को, इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने जा रहा है, किधर एस्टैब्लिश होगी, उस पर्सन की शैक्षणिक योग्यता क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, उससे रिलेटेड जो अदर्स, जो अन्य लोग हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर या वर्कर, या किस उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, कितनी पूंजी इसको चलाने में, एस्टैब्लिश करने में लगेगी, माल तैयार करने में पूंजी किस किस तरीके से लगेगी, उसके बाद प्रॉफिट जोड़ के इसकी क्या विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका लागत मूल्य क्या होगा, इसकी सप्लाई किस तरीके से, डिमांड किस तरीके से, कितनी डिमांड है, कितनी इसकी सप्लाई है, गैप को कैसे फिल किया जाएगा, सीजनल और नॉन सीजनल मंथ्स में कैसे एक सामंजस्य बिठाया जाएगा, यानी कि और किस तरीके से कच्चे माल की आपूर्ति और संसाधनों की आपूर्ति और ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, किस तरीके से इन सब चीज़ों की व्यवस्था होगी, उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर के मन में क्या प्लानिंग है, अदर संस्थान से उसको किस तरीके की मदद ली जानी है, यानी कि एक कंप्लीट व्यू रचना, और इस प्रोजेक्ट से किस तरीके के उत्पादन के भी अलावा किस तरीके के बेनिफिट हो सकते हैं संस्थान को, समाज को और किस तरीके से आर्थिक सामाजिक लाभ हो सकता है इसके साथ ही कि इससे जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उसका निस्तारण किस तरीके से किया जाएगा, यानी एनवायरनमेंट सामाजिक मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ सामाजिक मानवीय मूल्यों का या समाज का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा, इसका डिस्कशन होता है एक रिपोर्ट में कि ये समाज में किस तरीके से रोजगार उत्पन्न करेगी, एनवायरनमेंट के लिए को किस तरीके से नुकसान ना कम से कम पहुंचे, इसके लिए क्या अरेंजमेंट है, वो सब का विवरण इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होगा। ये हमारी होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो एक कंप्लीट आइडिया होती है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ, कैसे, किसके द्वारा एस्टैब्लिशमेंट होगा, कौन कौन इसमें वित्तीय किस तरीके से मदद होगी, कितना इसमें प्रॉफिट का मार्जिन है, कितना इससे समाज को फायदा है, होने वाले नुकसान को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से इसकी डिमांड और सप्लाई का सामंजस्य बिठाया जाएगा, यानी कि एक कंप्लीट व्यू हो गया हमारा परियोजना प्रतिवेदन में।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों की संरचना यानी संगठन किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो किसी भी संगठन की जो संरचना है ये इसके स्वामित्व पर डिपेंड करती है, और स्वामित्व डिपेंड करता है कि ये उसके उद्योग कि जो उसमें वित्तीय रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पूरा बर्डन है मेन, वो किसके ऊपर है। उद्योगों के स्वामित्व का आरोप उद्योग पर निर्भर करता है कि किस तरीके का उद्योग चलाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्वामित्व होता है। जैसे बात करते हैं, फर्स्ट है सोल प्रॉपर्टीशिप, एकल स्वामित्व, यानी कि किसी एक पूंजीपति या एक व्यवसायी द्वारा अपने बल पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चलाई जाती है। होती है एकल स्वामित्व, इसमें एक व्यक्ति का ही पूंजी लगी होती है, जो उसने स्वयं की अर्जित पूंजी या किसी तरीके से लोन लेके वह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति पर होती है। साझेदारी पार्टनरशिप, इसमें दो या दो से तीन व्यक्ति अपनी लगाई गई पूंजी के अनुपात में उनका ओनरशिप होती है, उनका स्वामित्व होता है, वो होती है हमारी साझेदारी। एक है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी संगठन, जिसमें सहकार द्वारा भी कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। ये हमारा है जैसे उपभोक्ता केंद्र। अलग एक है बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रम। ये संस्था पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होती, लेकिन सरकार द्वारा कंप्लीटली गवर्न होती है। इसमें अपना रिवेन्यू संस्था खुद जनरेट करती है, जैसे कि बोर्ड की बात करें, निगम की बात, पब्लिक सेक्टर, जैसे जल संसाधन, नगर निगम, इस तरीके की संस्थाएं इसमें आती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी में आता है संयुक्त पूंजी और निजी समित कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें शेयर होल्डर और होते हैं या शेयर होल्डर की कंपनी, या फिर जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो निजी ओनरशिप तक सीमित रहती है, सार्वजनिक सीमित कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं इसे। तो ये हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिपेंड करती है कि उसका स्वामित्व किस प्रकार का है। ये हमारे डिफरेंट प्रकार के एक संगठन की संरचना के पार्ट हैं। संगठन में आ गया हमारा सोल रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और हम बात करते हैं
सोल पार्टनरशिप, एकल स्वामित्व साझेदारी कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी, निजी सीमित कंपनी, सहकारी संगठन, बोर्ड निगम और सार्वजनिक उपकरण। अब है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। औद्योगिक इकाई में दो प्रकार के भवन होते हैं, प्रशासकीय भवन और कार्यशाला एवं भंडार। भूमि क्रय या आवंटन के पश्चात आवश्यक भवन का आकलन किया जाता है तथा उसके लिए नक्शों का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से कराया जाता है। अनुमोदित नक्शे के आधार पर भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। कार्यालय के भवन का निर्माण उत्पाद के विनिर्माण प्रक्रमों के आधार पर किया जाता है। आवश्यक कच्चे माल के भंडारण एवं उत्पादन के भंडारण की समुचित व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। तो ये हमारे हो गए भवन के प्रकार, प्रशासनीय एवं कार्यशाला एवं भंडार। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मशीन, मशीन की प्राप्ति एवं स्थापना। उद्योग में प्रस्तावित जो प्रोडक्शन का जो का जो लक्ष्य है एवं जो उसकी प्रोसेस है, इसको देखते रहते हुए मशीनों का चयन किया जाना चाहिए। और चयन करते समय एकदम कॉशियसली, एकदम जागरूकता पूर्वक इस बात की सावधानी बरती चाहिए कि श्रेष्ठ उत्पादन की मशीनों का चयन उत्पादन के हिसाब से श्रेष्ठ हो, जिससे लागत कम से कम आए, संचालन सुचारू रूप से हो, किस्म का और अच्छी किस्म का उत्पादन हो सके। तो मशीनों के को जब डिसाइड करने के बाद, उनके चिन्हीकरण के बाद ये डिसाइड करना होता है कि असेंशली ये डिसाइड करना होता है कि ये मशीन कहाँ पे, किसके द्वारा, किस तरीके, कितनी मात्रा में बनाए जाने वाली हैं। ये आवश्यक है कि कम से कम 3 मशीनी सप्लायर से मशीनों का लिटरेचर प्राप्त किया जा सके और उसका तुलनात्मक अध्ययन, एक उसकी डिटेल स्टडी और उनका डिस्क्रिप्शन देख के ये डिसाइड करना चाहिए कि किससे मशीनें खरीदी जानी चाहिए या किससे कौन सी मशीन किस कंपनी से खरीदी जानी चाहिए। और उसके समय ये सतर्कता रखनी चाहिए कि जिस बनावट की मशीनों के लिए आदेश दिए हैं उसी की ही मशीनों की आपूर्ति की जाए और उसकी स्थापना यथासंभव उसी कंपनी के द्वारा की जाए। यानी विभिन्न मिनिमम 3 और विभिन्न जो कंपनियों से जो लिटरेचर मंगवाया जाए, उनके स्टडी करने के बाद जो हमने मशीनें डिसाइड की हैं वही मशीनें हमें सप्लाई हों, तो उसकी एक डिटेल, एक बार मशीन सप्लाई होने के बाद उसकी डिटेल से इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए और उससे पूर्व में ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसकी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट और उसकी मेंटेनेंस के लिए गाइडलाइन और जो या जो प्रोसीजर है जो मेंटेनेंस का, उसके बारे में जानकारी और उसके लिए जो हेल्प है वो उस कंपनी द्वारा दी जा रही है। मशीनों को कार्यशाला में स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आता है कि मशीनों की कार्यशाला इस तरह कराई जाए कि श्रमिक आसानी से उस पर कार्य कर सके, बिना उसका आवागमन बिना किसी खतरे के संभव हो। यानी मशीन हैजार्डलेस ना हो, कि बिना हैजार्ड के वर्कर उस पर काम करने के लिए कंफर्टेबल रहे। और मशीनों की एक मशीन से दूसरी मशीन की दूरी इतनी अधिक नहीं है कि व्यर्थ में समय और शक्ति का दुरुपयोग में उत्पादन लागत बढ़े। मशीनों के बीच में एक आवश्यकता अनुसार डिस्टेंस मेंटेन हो पर इतनी अधिक भी ना हो, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस के काम ढंग से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे और श्रमिक को अधिक परेशान भी ना होना पड़े और इतनी दूर नहीं होनी चाहिए कि व्यर्थ में समय का दुरुपयोग हो। यानी कि एक आउटलाइन इस तरीके से प्रिपेयर की जानी चाहिए जो उसकी प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है। मशीनें क्रमवार एवं उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार स्थापित कराई जानी चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से मशीनों का सेटअप किया जाना चाहिए कि कच्चे माल की मशीन सबसे पहले उनको एग्जाम्पल के लिए और उनको अलग अलग करने की मशीन, उसके बाद इस तरीके से फिर प्रोडक्शन मशीन, लास्ट में पैकिंग की और लास्ट में जो फाइनल जो प्रोडक्ट निकलता है पैक होके उसके लिए मशीन, और सबसे लास्ट में जो वो एक कार्टन में पैक होके जाता है उसकी, उस एरिया की स्थापना की जानी चाहिए। मशीनों का
फाउंडेशन उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, जिससे उसके दुर्घटना ना हो, रखरखाव ना हो। हर मशीन का एक प्रॉपर सेटअप होता है, उसके लिए प्रॉपर फाउंडेशन और बोल्ट्स की बोल्ट से उसे उसमें कनेक्ट किया जाता है विभिन्न फास्टनर्स की हेल्प से, तो उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है। उसके लिए लेवलिंग और जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है वो प्रॉपर हो, उसके कोई भी पार्ट्स इस तरीके से लूज या ओवर टाइट ना हो, प्रॉपर उसका सेटअप होना चाहिए, जिससे मशीनों में कोई भी कैजुअलिटी ना हो। और उसकी मेंटेनेंस कंट्रोल, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। तो ये हमारा एक चैप्टर हो गया कंप्लीट, सेटिंग अप SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जिनके प्लांट और मशीनरी में जो व्यय होता है उसके अकॉर्डिंग को डिसाइड किया जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसमें क्या स्टेप्स आती हैं, लैंड किस तरीके से अलॉट की जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और एक स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन ये किस पर डिपेंड करती है कि उसका स्वामित्व किस प्रकार का है, सरकार द्वारा गवर्न है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा गवर्न है या व्यक्तियों के समूह द्वारा गवर्न है, व्यक्तियों का समूह और सरकार के सहयोग से चल रही है, सरकार का सहयोग है, संस्थान अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रही है इस पर डिपेंड करता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, और मशीनों की स्थापना किस प्रकार से की जा रही है, उनकी रखरखाव की, उनके क्रय संबंधित जानकारियाँ, ये सब एक आवश्यकता है किसी भी लघु उद्योग केंद्र की स्थापना के लिए। थैंक यू।